सबसे पहले मैं 1 टेबलस्पून करीब 12 से 15 काजू, 4 टेबलस्पून गुड़ का पाउडर, नहीं तो चीनी भी ले सकते हैं आप, 1/2 टीस्पून इलायची पाउडर, करीब 1 चुटकी केसर, मिल्क पाउडर 1 टेबलस्पून और 1/2 कटोरी दूध डालकर मैं इनको पीस लूंगी। हमारा दूध, मिल्क पाउडर, केसर, इलायची और गुड़ का मिश्रण इस तरह से बनकर क्रीमी तैयार हो गया है। कढ़ाई में 1 चम्मच प्योर घी, शुद्ध घी डालकर मैं इस ग्रेटेड कद्दूकस की हुई लौकी को इसमें से डालकर थोड़ी देर के लिए भूनूंगी, जब तक ये हल्की सी नरम पड़ जाए। खीर के लिए मैंने 1.5 कप कद्दूकस की हुई लौकी ली है, जो कि करीब 300 ग्राम होती है। उसको इस तरह से घी में थोड़ी देर भून रही हूँ मैं, और फिर मैं थोड़ी देर के लिए ढक दूंगी। 1 मिनट लौकी को भूनने के बाद मैं इसको 1 मिनट के लिए ढककर रख देती हूँ। हल्की आंच पर 1 मिनट ढकने के बाद ये इस तरह से हल्की सी नरम पड़ गई है। अब मैं इसमें 3 कप दूध निकालूंगी। 3 कप दूध मिलाने जा रही हूँ, थोड़ा थोड़ा दूध करके डाल के मिलाते रहेंगे इस तरह से। ये दूध पहले से ही उबाल कर रखा हुआ है मैंने। अब मैं इसको करीब 7 से 8 मिनट तक उबालूंगी, जब तक कि ये पूरी तरह से लौकी नरम ना पड़ जाए इसके अंदर। लौकी और दूध को 4 से 5 मिनट पकाने के बाद ये काफी घुल मिल गई है और गाढ़ी भी हो गई है। दूध जो पहले 3 कप था उसका करीब 2.5 कप रह गया है। अब मैं इसके अंदर जो मैंने पीसा हुआ था मिक्सचर वो डाल दूंगी और इसको फिर से 1 मिनट चला चला के मिलाएंगे। खीर में वो मिश्रण डालने के बाद ये इस तरह से गाढ़ी भी हो गई है। इसमें केसर, इलायची, गुड़ मिलकर अपना ही रंग दे रहे हैं, अपनी ही खुशबू दे रहे हैं। खीर को मैंने इतना गाढ़ा रखा है, अगर आपको और गाढ़ा लगना है तो इसको थोड़ी देर और पका लें। मैंने इसको मिश्रण डालने के बाद 1 मिनट और पकाया है। अगर आपको इसको और पतला करना है तो इसमें 1/2 या 1 कप दूध भी आप मिला सकते हैं, क्योंकि खीर ठंडी होने के बाद थोड़ी गाढ़ी हो जाती है। उबलते हुए खीर में मैं 1 से 1.5 टेबलस्पून कटा हुआ मेवा डाल रही हूँ, बाकी थोड़ा मेवा मैं बचा कर रख रही हूँ सजावट के लिए। अब 1 मिनट के बाद इसको मैं बंद कर दूंगी। हमारी खीर इस तरह से बनकर तैयार हो गई है। करेक्ट कंसिस्टेंसी है, पर अपने हिसाब से आप इसको गाढ़ा या पतला कर सकते हैं। थोड़े बादाम पिस्ता से इसको और सजा देते हैं। अगर आप चाहें तो थोड़ी देर के बाद जब ये ठंडी हो जाए तो आप इसके अंदर 1 चम्मच गुलाब जल भी मिला सकते हैं। सबसे पहले एक मिक्सचर जार में मैंने 1 टेबलस्पून काजू और 1 टेबलस्पून बादाम लिया है, करीब 12 से 15 काजू, 12 से 15 बादाम। अगर काजू बादाम नहीं है तो आप इसके जगह
भुनी हुई मूंगफली भी इस्तेमाल कर सकती हैं। अब हम इसको दरदरा पीसेंगे। एक बोल में मैं 3/4 कप दूध ले रही हूँ, 3/4 कप ही मिल्क पाउडर जो कि करीब 3 टेबलस्पून के बराबर है, 2 टेबलस्पून गुड़ का पाउडर ले रही हूँ। आप चाहें तो उसकी जगह है चीनी भी ले सकते हैं, कम ज्यादा अपने हिसाब से कर भी सकते हैं। और इसी में मैं 1/2 टीस्पून इलायची पाउडर भी मिला रही हूँ और इन सबको मैं अच्छी तरह से बीट करके एक मलाई जैसा मिश्रण बनाने जा रही हूँ। गुड़, दूध और मिल्क पाउडर को मिलाने के बाद इस तरह से मलाई की तरह या कंडेंस मिल्क की तरह हमारा एक घोल बन गया है। अब हम इसको रख देंगे। एक कढ़ाई में 1 टेबलस्पून शुद्ध घी लिया है। जब ये थोड़ा गर्म हो जाएगा तब इसमें कद्दूकस की हुई लौकी जो 1 कप है करीब 200 ग्राम उसको इसके अंदर डालकर हम थोड़ी देर भूनेंगे। करीब 1 से 2 मिनट घी में घिया को इस तरह से हम भूनेंगे जब तक ये थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की नरम ना पड़ जाए। घिया आपकी नरम भी हो सकती है, थोड़ी सी हार्ड भी हो सकती है, तो आप उसके हिसाब से इसको 1 या 2 मिनट के लिए भून लीजिएगा। अब हम इसको 1 मिनट के लिए ढककर रख देते हैं। करीब 1 मिनट ढकने के बाद हमारी लौकी इतने से थोड़ी थोड़ी सिक गई है, लाइट ब्राउन हो गई है और नरम भी पड़ गई है। अब हम इसके अंदर दूध डालेंगे और उसको भी चला देंगे इस तरह से। 1 मिनट पकाने के बाद ये भी गाढ़ा हो जाएगा, घिया थोड़ी सी इसमें और नरम पड़ जाएगी। 1 मिनट इस तरह से इसको चलाते रहना है जब तक कि हमारी घिया जो है इसके अंदर इस तरह से गाढ़ी होगी दिखने लगेगी। इसका रंग हल्का ब्राउन है क्योंकि मैंने इसमें गुड़ डाला है, चीनी होगा तो इसका रंग हल्का हरा निकलेगा। अब हम इसमें पिसा हुआ काजू और बादाम डाल देंगे और उसको भी जल्दी से चलाना है इस तरह से। 20 से 30 सेकंड में ही हमारा ये हलवा गाढ़ा होके तैयार हो गया है। इसको 10 सेकंड और भून लेते हैं जब तक कि ये कढ़ाई की दीवार को छोड़ने ना लगे, कढ़ाई को छोड़ने ना लगे। हमारा हलवा तैयार हो गया है। अगर आपको हरा रंग चाहिए तो इसमें 1 टीस्पून के करीब हरा रंग, खाने वाला हरा रंग आप मिला सकते हैं, तो हमारे हलवे का रंग घिया के रंग की तरह ही हरा पड़ जाएगा। इस तरह से थोड़ा सा और मिला देते हैं। और चला के डोंगे में निकाल देते हैं। हलवे को निकाल कर इस तरह से थोड़ा कटा हुआ नारियल को इसको हम सजा देते हैं। वीडियो देखने के बाद कमेंट देना ना भूलिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल दबाइएगा अगले वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए। लाइक शेयर करना ना भूलिएगा।